आरती जी, अभी आपने भूल भुलैया 2 देखी, तो क्या कुछ रिव्यू देना चाहूँगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि पिक्चर सब लोग जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म है। पिक्चर ओवर एंड ऑल कॉमेडी हॉरर, मतलब थोड़ा डराती भी है, थोड़ा हंसाती भी है, ज़्यादा हंसाती है एक्चुअली। तो गाने वाने भी अच्छे हैं, डांस अच्छे हैं। कार्तिक आर्यन ने डांस किया है, उसका डांस बहुत अच्छा है। तब्बू ने डांस किया है, उसका डांस बहुत अच्छा है। मतलब ओवर एंड ऑल कियारा आडवाणी के ताली सॉन्ग बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर देखने जाए तो फुल एंटरटेनमेंट है। जिसको एंटरटेनमेंट पसंद है वो पिक्चर जरूर देखे। कहानी, निर्देशन और एक्टर के बारे में क्या कहेंगे डिटेल? पिक्चर की कहानी थोड़ी सी ना इंटरवल के बाद है ना अननेचुरल लगी, लेकिन क्योंकि वो लोग ने थोड़ा अलग ट्रैक पर गाड़ी मतलब चलाया पिक्चर को, तो इसलिए चल गया। क्योंकि उन्होंने ट्रैक ही कॉमेडी ट्रैक को ज़्यादा हाईलाइट किया है। लेकिन थोड़ी पिक्चर लंबी हो गई, अगर थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। मतलब पिक्चर बहुत लंबी लगी उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट था, इसलिए बोर नहीं हुए, तो ऐसा मज़ा आया। लेकिन फिर भी और मतलब सबकी एक्टिंग परफेक्ट है। मुझे कियारा आडवाणी का काम से बहुत कम लगा, उसका काम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हीरोइन से ज़्यादा काम बाकी लोगों का ऐसा लगा मुझे। लेकिन ओवर एंड ऑल अगर वन टाइम वॉच बोले तो पैसा वसूल पिक्चर है, जरूर देखने आ सकते हैं। मैं स्टार्स दूंगी 3.5।